दोस्तों, क्या आपके जार में पैसा डेली कट रहा है? दोस्तों, क्या आप जार का जो डेली प्लान है, जो भी आपका पैसा, उसको कैसे बंद करना है जो कट रहा है? सो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंगरेज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मेरा जार ऐप है वो यहाँ पर ओपन है और डेली यहाँ पर मेरे 10 रुपये कट रहे हैं अकाउंट से, वो भी ऑटोमेटिक ही कट रहे हैं। दोस्तों, इसको कैसे बंद करना है दोस्तों? तो इसको बंद करने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, पूरी वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, लाइक करते हैं तो हम मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर जार का जो ऐप है वो यहाँ पर खोल के रखा है और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट के निशान देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेली सेविंग प्लान का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर डेली सेविंग प्लान का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों स्टॉप डेली सेविंग। तो यहाँ पर स्टॉप डेली सेविंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको पुश करने का, मतलब रोकने का है, आप उसको दोबारा कभी फिर से चालू कर सकते हैं। और नीचे डिसेबल का है, यहाँ पर इसको जैसे डिसेबल पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो डेली प्लान है सेविंग का वो बंद हो जाएगा दोस्तों, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे डिसेबल पर, तो ये दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ये डेली सेविंग डिसेबल हो चुका है। अब यहाँ पर आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आप भी अपने पैसे को रोक सकते हैं जार में कटने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप समझ में आएगी दोस्तों। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।